बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है खैर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी, आज की रेसिपी इंशाल्लाह आप सब बहन भाई शेयर करेंगे। तो आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं तो वो हमारे गांव में क्या हमारे इलाके में कहीं भी नहीं मिलती है। तो खासतौर हम बच्चों के लिए बना रहे हैं। आपको पता है कितनी दूर लेकर जाके खाने के लिए बच्चों को कोई लेकर नहीं जाता, तो इस वजह से आज हम बना रहे चटपटी फ्रेश फ्रूट चाट। तो इंशाल्लाह करीमी फ्रूट चाट आज बहुत ज्यादा अच्छी बनेगी। तो ये हम या तो भावलपुर में से खा सकते हैं या उसके करीब लोधना से, उसके आगे कहीं नहीं मिलती है। तो इस वजह से हमने कहा हम घर पे बना लेते हैं, तो बच्चे भी खा लेंगे, उनका भी शौक पूरा हो जाएगा और हम आप सब भाई से भी शेयर कर लेंगे। तो वीडियो के साथ जुड़े रहने, इंशाल्लाह आज की वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी होगी। तो जी, अभी बिस्मिल्लाह करते हैं। और सबसे पहले मैं अनार का, क्योंकि अनार भी और अमरूद भी और बाकी केले और सेब और जो बाकी चीज़ है ना, उनका कलर थोड़ा चेंज हो जाता है, इस वजह से मैंने कहा उसको थोड़ी देर के बाद काटेंगे। ए, क्या करना है यार? माशाल्लाह जी, बिल्कुल फ्रेश फ्रूट है। और तकरीबन साबरा, इनको मैंने 45 मिनट तकरीबन एक घंटे के करीब जो है ना, मैंने इनको फ्रिज में रखा है ताकि बिल्कुल ठंडे हो जाएं। और क्रीमी फ्रूट चाट के लिए इनका ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। जितने ठंडे होते हैं उतने मज़े के भी होते हैं। और दूसरा ये है ना, काटने में बहुत आसानी होती है साबरा। और इसमें से अगर कोई खराब हो तो वो अलहदा कर लेंगे जी, तो इसलिए सुकून से बैठ के बनाएंगे। कोई ऐसी टाइम लगेगा इसमें। और छिलके एक साइड पे रखते आ रहे हैं, टाइम हर कम में लगता है थोड़ा। बच्चे अभी से आ गया, पता है आपको? हाँ जी, बच्चों को भी दिखाते हैं। देखिए माशाल्लाह अभी से बच्चे आ चुके हैं। ये देखें जी, ये बच्ची आई है। बेटा इधर बात सुनो, इधर बैठ जाओ, अभी बना रहे हैं, इंशाल्लाह देंगे। भाई को भी बोलो, अपने भाई को भी बोलो इधर बैठ जाए। बैठ जाओ यहाँ पे। नहीं, थोड़ी सी साफ कर दे मामू। तो ऊपर से जो है ना धूप छांव आ रही है, क्योंकि हम दरख्तों के नीचे बैठे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए खजूर फ्रेश है, तो अब इसको धोएंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि बाकी फ्रूट मैंने धो के फ्रिज में रखे थे, इनको फ्रिज में नहीं रखा। मक्खन वाली टॉफी लेके आया हूँ मामू, क्या कहते हैं? खाओ 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 खाओ। और फ्रूट चाट बनाने के लिए आप बहन भाइयों को पता है कि चीज़ का चौरस जो है ना वो कटना
जो है ना बहुत जरूरी है। हाँ निकाल लो, कोई बात नहीं साबरा, चलो जो बड़े होंगे ना उनको काट लेंगे। इनको सीधा रखना है आपने, छोटे करो साबरा, छोटे रखो इतने बड़े। हाँ इसको भी काटो, ये दो कड़े हैं, ये वाला और वो वाला सेंटर में जी, इसको भी काटो। साइज इनका यही होना चाहिए, मैंने आपको पहले दिखाया है ठीक है ना, वैसे ही साइज होगा। तो ज़्यादा बड़ा साइज़ होगा तो जो बहन भाई देख भी रहे हैं वीडियो को, तो ज़्यादा बड़ा साइज़ होगा तो बिल्कुल आपकी फ्रूट चाट जो है ना एक तो मिक्स नहीं होगी, दूसरी बात ये कि वो मज़ा नहीं करेगी। ये लो साबरा पानी, यू वेलकम। वाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत हवा चली हुई है। अभी बनाना स्टार्ट करते हैं, तो ये क्रीम सबसे पहले हम डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो जी क्रीम हमने निकाल लिया, तो सबसे पहले हम इसमें चीनी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो अब हम इसमें नमक डालेंगे, ये काली मिर्च है, काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। चाट मसाला, तो जी सब कुछ इसमें डाल दिया है, अभी इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह करते हैं और सारे फ्रूट मैंने काट लिए हैं, अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें सेब डालेंगे, और अब हम इसमें अमरूद डालेंगे, और
और अब अनार, तो ये है नाशपाती, आड़ू डालेंगे, अंगूर, खजूर, किशमिश, तो अभी हम इसमें डालेंगे बनाना, लास्ट में मैंगो। तो जी अभी हम इनको मिक्स करेंगे, और इसमें काफ़ी ज़्यादा नरम फ्रूट है तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, बिल्कुल ऐसा से इसको मिक्स करना है। ये देखें, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी, देखें अल्लाह पाक कितनी बड़ी नेमतें हैं जो अल्लाह ताला हमें इन फ्रूटों की शक्ल में दे रहा है। और आई होप सो कि आज आप हमें ज़रूर इनाम देंगे, और इनाम आप बहन भाइयों को पता है, आप सब बहन भाइयों का प्यार जी और आपकी सपोर्ट बस जी। तो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं, वीडियो को स्किप नहीं करना, आज बच्चे कितना इंजॉय करते हैं इसको खा के। माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह, ये देखें, तो जी अभी सब बच्चों को भी दे दिया है, चेक करते हैं कैसा बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जबरदस्त, बहुत अच्छा बना है सच में। अमन कैसा बना है? अच्छा बना। सब बच्चों को दे दिया, सब बच्चे शौक से खा रहे हैं, बहुत ही शौक से। क्यों बच्चे आज पता है क्या है साबरा, आज तो शौक या। जिसको और चाहिए ना वो बता देना, ठीक है जी। तो इसलिए मैं खुद इधर बैठी, मैंने कहा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है। तो अभी जो है ना मैं खुद इधर बैठी हूँ, सब बच्चों को खिला दूंगी। मैंने इनसे कहा, मैंने कहा आप इतना खाए मर्जी से, दिल भर के खा लें, उसके बाद अगर कोई और बच्चा भी आ जाता है तो उनको भी खिला देंगे जी। तो बस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी आप सब भाइयों से शेयर कर सके। और आज पता है क्या है, ये एक तो एक बात आखिरी करना चाहता हूँ, क्योंकि ये गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में ये रेसिपी इनके लिए बहुत ही जबरदस्त रही है। आप बहन भाइयों की जो कॉमेंट सेक्शन में ये बात थी कि फ्रूट चाट बना के खिलाएं, तो फ्रूट चाट बच्चों को आज बना के खिलाई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दिल बहुत ज्यादा खुश हो रहा है इन बच्चों को देख के। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो जश्न आजादी सब बहन भाइयों को बहुत बहुत मुबारक हो, और इस जो है ना जश्न आजादी पर सब बहन भाई दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को ऐसी सलामत रहे, हंसता बसता रखे। आमीन सुम्मा आमीन।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।